उधर फरीदाबाद के चंदावली गांव में आईएमटी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने प्रथला के विधायक नयनपाल रावत का धन्यवाद किया। दरअसल विधायक नयनपाल रावत ने लंबे समय से आईएमटी की टूटी हुई सड़कों का निर्माण कार्य करवा दिया है। विधायक नयनपाल रावत ने उद्योगपतियों को विश्वास दिलाया है कि सरकार का प्रयास है कि उद्योगपतियों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, उनकी जो भी समस्याएं हैं उनको जल्द हल किया जाएगा। साथ ही नयनपाल रावत ने कहा कि प्रदेश के उद्योगपति न केवल युवाओं को रोजगार देने का काम करते हैं बल्कि सरकार को भी रेवेन्यू दे रहे हैं। देखिए, जब से मुझे इस बार इस प्रदेश अपने क्षेत्र की जनता का जो सेवा करने का मौका मिला है, मेरी एक ही सोच रही है कि इंडस्ट्री को कैसे बढ़ावा दिया जाए। दो साल के कोरोना के बावजूद जो हमारी सड़कें जो आईएमटी की थी, क्योंकि सभी इंडस्ट्रीज छोटे और बड़े वहां पर अपना कार्य करते हैं, और उसकी जो दशा थी, हालत थी सड़कों की या जो कनेक्टिविटी की, वो अच्छी नहीं थी। पहले तो जो दो इनके लिए अपना जो बड़ौदा वाला जो हाईवे हम बन रहा है उस पर से दो एलिवेटेड पुल बनवाने का श्रेय हमारी सरकार को, माननीय गडकरी जी को जाता है, प्रदेश की सरकार को जाता है। और यहाँ से जो हमारे हेमंत शर्मा जी हैं अपने चंदावली से, उन्होंने भी इसमें अहम भूमिका निभाई है। तो हमारी सरकार की सोच, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की सोच और ख़ासतौर पर मेरी सोच, मैंने हर किसी समय में, चाहे वो सदन की कार्रवाई हो, चाहे बाहर किसी तरह का इंडस्ट्री का मुद्दा हो, तो मैंने बढ़ चढ़ के अपने इंडस्ट्रियलिस्टों की बात को आगे बढ़ाया है। एमएलए साहब का थैंक यू करने के लिए आए हैं, सारे हमारे ऑफिस बियरर हमारे साथ हैं, हम सब। एमएलए साहब ने हमारी पीछे डेढ़ दो साल से रोड वगैरह सारी आईएमटी की बिल्कुल सारी टूटी हुई पड़ी हुई थी, अब नई सिरे से उन्होंने पास करा दिया है और रोड बननी हमारी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो हमने एमएलए साहब का बहुत बहुत धन्यवाद है। और जैसे पीछे बिजली की समस्या भी थी, उसमें भी एमएलए साहब से हम हेल्प लेते रहते हैं। कहीं सीवर बंद होता, कभी पानी की कोई दिक्कत आती है, अब जैसे रोड की समस्या हल की है, कहीं भी कोई इंडस्ट्रीज को किसी भी टाइप की, जैसे गवर्नमेंट ऑफिसर से कहीं कोई हमें कोई सपोर्ट नहीं मिल पाती है, तो उसमें भी हम टाइम टू टाइम एमएलए साहब का हेल्प लेते रहते हैं। तो आज हम एमएलए साहब को अपनी पूरी टीम के साथ में उनका धन्यवाद करने के लिए आए हुए हैं।